गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे व्यूवर्स, सभी को गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। आज हम आपको देख रहे हैं कितना खूबसूरत प्लांट, इसका नाम आप देख रहे हैं दोस्तों, गैस करिए क्या है, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका नाम क्या है। दोस्तों ये जेनिया है, ये जेनिया बहुत हार्डी प्लांट होता है, ये कम से कम 8 महीने आपको फ्लावर देगा। अभी दोस्तों ये हो गई है, आज तारीख मार्च हो गई है, मार्च में 27 हो गई, 28 तारीख हो गई है। तो दोस्तों ये जो प्लांट है ना, ये जेनिया, ये बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। इसकी पत्ती बिल्कुल रफनेस वॉल्विट कलर की होती है, वॉल्विट टाइप की होती है, बाकी डिफरेंट कलर, डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट शेप साइज के आपको देखने को मिलेंगे। ये दोस्तों ये इसमें और भी कई कलर्स रहते हैं, ये मेरे पास इस समय केवल 4 कलर हैं, इसके कलर्स बहुत सारे आते हैं। मैं दोस्तों इसको नर्सरी से लाया हूँ, इसलिए लाया हूँ कि इसमें काफ़ी दिन जो है ना फ्लावर रहते हैं। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खासियत है ये हैवी फीडर होता है, इसमें जो खाद होती है वर्मी कंपोज है, NPK 1919 है, DAP है, और दूसरा जो रॉक फॉस्फेट वगैरह इसमें ज़्यादा डालने पड़ते हैं, क्योंकि इसकी फ्लावरिंग देख रहे हैं आपको, फ्लावर के लिए बहुत खूबसूरत इसमें फ्लावर आते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें क्वांटिटी में आते हैं। देखिए दोस्तों एक ब्रांच पे 4-4, 5-5, 6-6 फ्लावर्स आते हैं, ये देखिए आप कितने ज़्यादा इसमें फ्लावर्स आते हैं। और दोस्तों फ्लावर की जो खूबसूरती है वो भी बहुत अच्छी है, और बड़ा टिकाऊ रहता है काफ़ी दिन, ये कम से कम 6-7 दिन एक फ्लावर इसमें लगा रहता है। उसके बाद देखिए इसी की एक और वैरायटी देखिए दोस्तों, का पूरे गुच्छ में लगा हुआ, देखिए कितने कितने गुच्छ में लगा हुआ है ये फ्लावर। तो दोस्तों ये इसको जो है ना, मैं आपको मिट्टी की बात करते हैं कि इस मिट्टी जो हम इसकी स्पेशल मिट्टी बनाएंगे, तो दोस्तों इसमें हमें खाद की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ती है। दूसरी चीज़ है इसको जो हमारा टेम्परेचर है दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5-4 घंटे मैक्सिमम इसको धूप मिलनी चाहिए। इसको कभी कभी तो जब टेम्परेचर 40-42-42 इस तरह का होगा दोस्तों, उस समय इसको 2 बार इसमें वाटरिंग करनी पड़ेगी, सुबह और मॉर्निंग में भी। दूसरी चीज़ है दोस्तों इसका जो है ना, हम प्रोपोगेशन इसको हम जो कटिंग करके भी बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली दोस्तों जो है ना ये सीड से तैयार होता है, सीजनल प्लांट है ये, हमें कम से कम 7-8 महीने, अभी ये हमें पूरी गर्मी और पूरा बरसात फ्लावर देगा। ये जेनिया है जी, ये दोस्तों जमीन में लगाने पे काफ़ी अच्छा चलता है। ये हमारे देखिए छोटे छोटे 3-4 इंची गमले हैं दोस्तों, मैंने अभी इसको तैयार किया है, इसके बाद मैं इनको बड़े पॉट में रिपोर्ट करूँगा, कम से कम 8 या 10 इंच के गमले में। इसमें आप जो है ना, जो सनलाइट होती है काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है, और इसमें खाद की मात्रा भी ज़्यादा देने पड़ती है। थोड़ा सा आप इसको रेगुलर केयर करेंगे दोस्तों, तो ये आपको बहुत अच्छा प्लेजर फील कराएगा, बहुत अच्छा फ्लावर देंगे। दोस्तों मैं एक दिन थोड़ा सा इसको भूल गया हूँ, एक दिन वाटर की डेफिशिएंसी से कमी हो जाने की वजह से दोस्तों ये देखिए एक ही दिन में इसके कलर फेड हो गए हैं। ये देखिए दोस्तों ये थोड़ा बड़ा है, तो इसमें पानी की मात्रा नहीं इसमें कम हुई है, तो ये देखने में कितना खूबसूरत है। इसी तरह से दोस्तों इसके साथ साथ मैं ये सर्दियों की पिटूनिया है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ, मैं अब की गर्मियों में इनको बचाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। तो उसको बचाने के लिए दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमारी शेडेड एरिया है, इसमें नीचे छनी हुई इसमें धूप आएगी, इसको जो है ना जो भी हमारे फ्लावर्स खिल चुके हैं उसको हम कटिंग करके इसको निकाल देंगे। देखिए कितना कितना खूबसूरत ये दोस्तों, इधर बीच में हमारा गजेनिया रखा हुआ है, ये गजेनिया भी मैं इसको बचाने की कोशिश करूंगा। जिस दिन से दोस्तों मैंने शेड एरिया में रखा है, उस दिन से मैं वॉच कर रहा हूँ कि ये काफ़ी खूबसूरत चल रहा है, और इसमें डे बाई डे जो है ना न्यू ग्रोथ भी हो रही है और हमारे फ्लावर्स भी मिल रहे हैं। इसके साथ साथ में दोस्तों मैं थोड़ा सा और आगे भी दिखाऊँगा, ये देखिए उधर हमने पिटूनिया के 2 बड़े-बड़े फ्लावर्स रखे हैं, वो भी दोस्तों हमने छाया में इसको कर दिया है, पॉट का साइज बड़ा कर दिया है, और अभी भी देखिए बिल्कुल जैसे सर्दियों में जनवरी फरवरी में जैसे चलते थे उससे कहीं अच्छे अभी ये चल रहे हैं। दोस्तों अभी इसको 15 दिन के बाद मैं इसमें खाद डालूंगा,
इसके बाद मैं गर्मियों में कोशिश करूंगा इनकी जो बड़े बड़े हमारे प्लांट्स है उसके नीचे रख के इसको बचाने की कोशिश करूंगा। अगर बच जाएंगे दोस्तों तो इसका अपडेट हम आपको जरूर देंगे। बाकी दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था मैं जैनिया के बारे में, इस बारे में बता रहा था। तो दोस्तों अगर आपका गार्डन छोटा है तो कोई वरी करने की बात नहीं है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। अगर आप प्लांट्स लवर हैं, अगर फ्लावर्स के शौकीन हैं, तो अपनी बगिया में दोस्तों ये जैनिया का फ्लावर है, ये गजेनिया का फ्लावर है, ये पिटूनिया के फ्लावर्स हैं। इधर आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत है ये फ्लावर्स, इनको ज़रूर शामिल करिए। ये दोस्तों मुझे तो पास से मैं दिखाऊंगा, इसको तो 8 महीने हो गए फ्लावर्स बराबर दे रहा है। इसमें एक पीछे साइड में रेड कलर का निकला हुआ है। तो व्यूवर्स ये काफ़ी अच्छे हमको प्लेजर फील करते हैं, मॉर्निंग इसमें काफ़ी अच्छी। मैं दोस्तों कुछ दिन पहले एक अपना मधुकामनी का पौधा लाए थे, कितना ज़्यादा उसमें फ्लावर आए, 1000s कम से कम फ्लावर्स उसमें आए। केवल उसकी पॉट को मैंने बड़ा कर दिया है, बस आप उसको देख सकते हैं दोस्तों ये कितने ज़्यादा इसमें फ्लावर आए। और इसमें इतनी खुशबू होती है कि हमारे 20x22x22 जो गार्डन है ये एक ही प्लांट जो है ना हमारा मधुकामनी का सब पूरे घर को महकाएगा। तो बाकी दोस्तों मैं इस बारे में कुछ और डिटेल नहीं बताऊंगा। ये जो हम चाहेंगे कि आप लोग जो है ना भली गमले में छोटे में गजेनिया और ये आपका जेनिया ये ज़रूर पौधे लगाएं। इसी के साथ ही दोस्तों हमारे जो नए व्यूवर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरा चैनल सम्यक टेरेस गार्डन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।